नमस्कार दोस्तों, केपीसीएटीएम आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मारुति सुजुकी कंपनी के तरफ दोस्तों डायरेक्ट बम्पर भर्ती निकल के आ चुका है। दोस्तों इस बार बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली है दोस्तों, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट का इस बार दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आधे अधूरी वीडियो को देखेंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज मैं ऐसे बताता हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा उनका 100% सिलेक्शन होने वाला है। पिछला वाला वीडियो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं और जो देखे हैं उनको अच्छे से पता होगा, मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि किस किस स्टेट वालों के लिए भर्ती आने वाला है, और उसी टाइप से आप लोगों का भर्ती आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य के लिए ये भर्ती आ चुके हैं। दोस्तों आप ऑल स्टेट के स्टूडेंट अभी फिलहाल मारुति सुजुकी में जॉब कर सकते हैं। कैसे जॉब कर सकते हैं मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। यहाँ पे काम आपका 8 घंटे 26 दिन चलने वाला है, ठीक है। जो 8 घंटे 26 दिन में सैलरी दिया जाता है वो 30,500 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। ये दोस्तों रियल सैलरी है, कोई फेक सैलरी नहीं है। जो न्यू कैंडिडेट है, जो न्यू स्टूडेंट है, अभी अभी आईटी पास किए हैं, जिनको पता नहीं है मारुति सुजुकी के बारे में, तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है मारुति सुजुकी के बारे में, ठीक है। या अदर किसी चैनल से भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे जो आपको जानकारी दिया जाता है वो किसी भी चैनल पे आपको जानकारी नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जानकारी मिलेगा इस चैनल से, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए, क्योंकि कल देखिएगा मेरा रात में भी वीडियो नहीं आया था, क्योंकि मैं घर पे नहीं था इसलिए कल मैं ये वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन आज मुझे अभी टाइम मिला तो मैं इसलिए अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीपावली बोनस आपको इसमें 20,000 तक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दीपावली बोनस आप अभी ज्वाइन कीजिए या बाद में ज्वाइन कीजिए, आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा। इसमें आईटीआई डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए जॉब वैकेंसी निकाला गया। आईटीआई पास स्टूडेंट और डिप्लोमा पास स्टूडेंट मारुति सुजुकी में फिलहाल जॉब कर सकते हैं। इसमें जो फैसिलिटी मिलता है ना दोस्तों, वो किसी भी कंपनी में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा और सैलरी नहीं मिलेगा। तो फैसिलिटी आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, रूम मिलेगा, खाना मिलेगा, बस मिलेगा, ये सब आपको फ्री मिलेगा। पीएफ, पीएसआई, ओटी, यूनिफॉर्म, शूज वगैरह जो भी होता है दोस्तों, ठीक है। दीपावली बोनस तो हो ही गया, दीपावली गिफ्ट हो गया दोस्तों। उसके अलावा अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, आप कंपनी में काम छोड़ दिया लेकिन अगर कंपनी को किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट होता है तो उसका भी पैसे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे देखिए रूम के लिए जैसे कि यहाँ पे 4,200 रुपया आपको दिया जाएगा, तो जो 30,500 है इसी में से आपको दोस्तों रूम का पैसा एड है, ठीक है। आप रूम खुद से वहां पे ले सकते हैं, कंपनी कोई भी रूम नहीं देती है, रूम का पैसे दे देते हैं, आप बाहर जाकर रूम ले सकते हैं। 4 बंदे वहां पे दोस्तों अगर लेंगे तो 4,000-5,000 में आपको रूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़गांव में चाहे मानसर में 2 प्लांट है दोस्तों, दोनों प्लांट में से कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक्स आना चाहिए। आप लोग बहुत ही कंजूसगिरी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हो, इतना अच्छा अच्छा जॉब वैकेंसी मैं लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। और जिस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, क्या दे रहा हूँ, जो चैनल पे पहली बार विजिट किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको अगर मारुति सुजुकी में जॉब नहीं करना है दोस्तों, अदर किसी भी कंपनी में जॉब करना है दोस्तों, तो उसके लिए भी दोस्तों मेरे पास है, मैं खुद डायरेक्ट भर्ती करवाता हूँ। मेरे पास अभी दोस्तों 25 से 30 कंपनी, एक नहीं 25 से 30 कंपनी है दोस्तों जिसमें मैं लड़के देता हूँ। फिलहाल मैं कुछ कंपनी का नाम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हायर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नोएडा में है दोस्तों, उसमें अभी आईटी पास स्टूडेंट को 25,000 सैलरी दे रहा है, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 27,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, लेकिन उसमें 1,500 रुपया चार्ज रखा गया है। 1,500 रुपया देकर दोस्तों आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जो मारुति सुजुकी में पहले ही जॉब कर चुके हैं या जिनका जॉब नहीं लग रहा है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे जाके। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके मैसेज कीजिएगा। अगर हायर कंपनी में जॉब करना हो या अदर किसी भी कंपनी में जॉब करना हो, मेरे चैनल पे जाकर पहले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का वीडियो बना हुआ है, उनमें से किसी भी कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो फटाफट से जाके कंपनी का नाम और मैसेज कर दीजिएगा। आपको दोस्तों 100% लगभग दोस्तों 7 डेज के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। कितना? 7 डेज के अंदर आपको दोस्तों जॉब मिल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को, ठीक है। ये जिम्मेदारी हमारी है, चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपको जॉब दिलाना हमारा गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, केपीएस आईटीआई आगे चल के आपका बहुत ही काम आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब दे चुके हैं और आप लोगों को भी जॉब देते रहेंगे दोस्तों इसी तरह। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि जो मारुति सुजुकी से TW2 कंप्लीट कर चुके हैं, CW कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों सिटी टेस्ट होने वाला है 2024 में, जो परमानेंट एग्जाम होता है आपका, ठीक है ना। सिटी टेस्ट आपको अगर क्वालिफाई कर जाते तो आपको मारुति सुजुकी में परमानेंट जॉब मिल जाता है। उसके लिए दोस्तों पीडीएफ हम लोग तैयार किए हैं, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो पीडीएफ अगर आप खरीदते हैं तो 85 से 90% उसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है,
ठीक है। तो ये पीडीएफ लगभग दोस्तों 1.5-2 साल के मेहनत के बाद बनाया गया है। तो आप इस पीडीएफ को अगर खरीदना चाहते हैं तो 1,999 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। आप में से कोई दोस्त हैं जो TW2 CW कंप्लीट कर चुके हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सिटी टेस्ट क्वालिफाई करके मारुति सुजुकी से परमानेंट जॉब पा सके। ऐसा दोस्तों कोई पहली बार बनाया सिटी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, आज तक किसी ने भी नहीं बनाया था, ठीक है। तो जिनको करना है उनको बोल दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने के लिए, और बोल दीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए मारुति सुजुकी सिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। फिलहाल हम लोग दोस्तों चलते हैं मारुति सुजुकी कंपनी के ऑफिशियल बैनर पे, और बैनर पे चल कर दोस्तों मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इसका ऑफिशियल बैनर को, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से समझना है, फिर जाकर आप इसमें जाएंगे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को। देखिए दोस्तों हम लोग मारुति सुजुकी के ऑफिशियल बैनर पे आ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपनी नाम दे देगा मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो गुड़गांव में प्लांट है और मानेसर में प्लांट है दोस्तों, जो हरियाणा स्टेट में आता है। देखिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज है जो बैनर पे नहीं लिखा हुआ है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि बैनर को हम लोग पढ़ के स्किप करके वीडियो को चला जाएंगे तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे ऐसी चीज है जो नहीं इसमें लिखा हुआ है, मैं बताते जाऊंगा, ध्यान से सुनना है। जो ये वैकेंसी निकाली है वो TW के लिए, जिसमें आपको 7 मंथ के लिए लिया जाएगा, ये कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से आपका भर्ती होने वाला है। वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 500+ पोस्टों पे भर्ती निकाला गया, तो 500 नहीं दोस्तों, इसमें 1,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सैलरी जो आपको मिलने वाला है इससे ज्यादा आपको सैलरी आ जाएगा दोस्तों, ये पहला वाला सैलरी यहाँ पे लिखा गया। हर वीडियो में, हर आपको बैनर में यही सैलरी दिया हुआ रखेगा, क्योंकि ये सैलरी स्टार्टिंग सैलरी था जब मैं, मतलब आज से 3 से 4 साल पहले ये सैलरी दिया जाता था, लेकिन अभी आपको 29,000+ सैलरी आ जाएगा दोस्तों, हैंड सैलरी 29,500 से ज्यादा ही आने वाला है हैंड सैलरी, ठीक है। मैं 30,500 बताया था, उनमें से आपका जो 1,000 रुपया कटा जाएगा, ठीक है, 1,000-2,000 रुपया और इतना आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए IT पास स्टूडेंट के लिए भर्ती निकाला गया, तत्काल ज्वाइनिंग होने वाला दोस्तों, आपका 10 डेज के अंदर इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा, 10 दिन के अंदर आप इसमें जॉब कर सकते हैं मारुति सुजुकी में। क्योंकि दोस्तों मारुति सुजुकी में जो इससे पहले ऑनलाइन अप्लाई किए हैं ना, उनका अभी तक जो है दोस्तों रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उनके लिए ज्वाइनिंग के लिए कॉल वगैरह नहीं आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो प्लेसमेंट लगाने के लिए जाती है ना, इसमें आपका 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाता है। और अभी ज्यादातर मारुति सुजुकी क्या कर रही है, कैंपस लगाने के लिए जा रही है। और मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि 3 स्टेट में जो है अभी मारुति सुजुकी का प्लेसमेंट लगने वाला है, और फिर से 1 स्टेट में ऑलरेडी आ चुका है, मैं बताऊंगा कि ये कहाँ लगाई जा रही है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ पे देखिए जिनका 18 से 26 साल तक है वो इसमें जॉब कर सकते हैं ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग टाइम तक दोस्तों आपका 26 साल होना चाहिए। अभी आपका एज परफेक्टली अगर 25 साल 10 महीने हो रहा है तभी आप इस प्लेसमेंट में जाएंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपका पूरा 26 साल हो गया तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। आप जाएंगे और वापस घूम के आना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताएगा। केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाला गया, कोई जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट को, ये फीमेल कैंडिडेट को नहीं ले जा रहा, महिला को इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 40% के साथ आपका 10वीं में और 60% के साथ आपका ITI में नंबर होना चाहिए, तभी आपको इसमें लिया जाएगा। आप ट्रेड यहाँ पे देखिए, फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, MMB, ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब ट्रेड यहाँ पे दिया गया। तो जिनका जिनका ट्रेड है वो इसमें जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा ट्रेड रहता है दिया हुआ, मैं बता दूंगा कि जितने भी टेक्निकल ट्रेड है सारे ट्रेड वाले जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे कि क्लास 10th का आपको मार्कशीट लेके जाना, IT का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट मैच एज पर क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से। तो जो आपका 10th का मार्कशीट है ना, वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, बाकी आपका जो भी क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है, ठीक है, उन सारी चीजों को 10th के मार्कशीट के साथ आपको मिलाना है, कि कहीं पे भी कुछ भी तो मिसमैच नहीं है, एक अक्षर का भी अगर मिस मैच है दोस्तों तो आपको मारुति नहीं लेगी, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट का यही जो है दोस्तों दिक्कत होता है कि उनका डॉक्यूमेंट में जो है एक अक्षर का गलत निकल जाता है, किसी का फादर्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो, ठीक है ना, उसके वजह से ज्वाइनिंग नहीं होता है। तो ये चीज मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आप लोग कभी भी ध्यान नहीं देते, पहले सुधार लीजिएगा, फिर इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर प्लेसमेंट में जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिए ना, ठीक है, तो फिर दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही दोबारा कभी भी मारुति सुजुकी में जॉब कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक QR कोड दिया हुआ है,
ठीक है, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जरूरत नहीं है, जो क्यूआर कोड को स्कैन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आराम से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों, जो 29 दिसंबर 2023 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपको अदर बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है और कहाँ प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है वो यहाँ पे दे दिए गए। तो देखिए अदर बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाला है, सब्सिडी फूड आपको दिया जाएगा, यूनिफॉर्म एंड अदर्स जो भी होता है दोस्तों फैसिलिटी, वो सारा कुछ मिलने वाला है। तो फैसिलिटी तो दोस्तों मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो को शुरू में बता चुका हूँ, वही सब आपको मिलने वाला है। कैंपस सिलेक्शन स्थल दे दिया गया यहाँ पे, सुजन ITI जो गया बिहार में ये प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों, और यहीं पे सिर्फ मारुति सुजुकी ज्यादातर प्लेसमेंट लगाने के लिए जाती है बिहार के अंदर। ठीक है, यहाँ पे और एक जो है पटना में है, दो जगह जाती है दोस्तों ज्यादातर मारुति सुजुकी प्लेसमेंट लगाने के लिए। पीछे वीडियो में मैं बताया था कि मारुति सुजुकी जो है प्रोग्राम बना रही है बिहार में प्लेसमेंट लगाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से बिहार में प्लेसमेंट नहीं लगा था। मेरा बात को ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो को नहीं देखे पिछला वीडियो को देखिएगा और फिर मिलाइएगा कि मैं बताया था या नहीं बताया था। मैंने बताया था जो MP में 22 तारीख को प्लेसमेंट लगाया गया ना, MP में 22 तारीख को एक प्लेसमेंट लगाया गया था, और MP में फिर से और एक प्लेसमेंट लगने वाली है, ये भी मैं बताया था उस वीडियो में, और उसी वीडियो में बताया था कि बिहार में भी एक प्लेसमेंट लगने वाली है, उसके साथ दोस्तों यूपी में भी एक प्लेसमेंट लगने वाली है, उसका भी जो है प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, मैं ऐसी चीज बताता हूँ, अंदर की चीज बताता हूँ, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है ना, कितना भी वीडियो देख लीजिए, पहले कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट लगने जाएगी, लेकिन डेट मैं पहले आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि डेट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, मुझे जानकारी नहीं मिलता तब तक मैं डेट नहीं बताता हूँ किसी को भी। अब और एक चीज मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। आप लोग तो प्लेसमेंट में चले जाएंगे, आपको सोचेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो आपका रिटर्न टेस्ट होता है प्लस आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू दोनों आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड और जो दोस्तों बिहेवियर से क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड बिहेवियर से क्वेश्चन रहेगा। मैं टोटल 50 क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, दो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएगा लिंक, आपको मिल जाएगा मारुति सुजुकी का TWO का, देखिएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दोनों वीडियो को देखना है, इंटरव्यू जो होता है उसका भी दो वीडियो आपको मिल जाएंगे, कुल मिला के चारों वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चारों वीडियो को अगर आप लोग देख लिए तो जो रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होता है ना, आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, और मारुति सुजुकी में आप 100% जॉब आपको मिल जाएगा दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता अगर डॉक्यूमेंट वगैरह अगर सब कुछ सही है तो। ठीक है, ये चीज कोई नहीं बताएगा, सबको वीडियो बनाया होगा, इस बैनर को पढ़ के आपको बता दिया, लेकिन मैं देखिए कितना चीज ऐसे बताया जो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप सुने होंगे नहीं सुने होंगे वो आपका मर्जी है, आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं आपको सुनाई दिया होगा, इसलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा वीडियो जब भी देखेंगे, आधी उधरी वीडियो देखिएगा तो मेरा वीडियो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ देखिए दोस्तों और भी कुछ चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे कि केवल बिहार के लिए किसी भी ITI पास अभ्यर्थी के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है, फिलहाल जो है इसमें ओनली बिहार के स्टूडेंट ही जा सकते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया था कि सभी राज्यों के लिए भर्ती है, मैंने बताया ना आप लोगों को कि ऑल स्टेट के लिए भर्ती है, देखिए ऑल स्टेट के लिए इसलिए मैंने बताया कि सभी राज्यों में अब प्लेसमेंट लगने जाने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, सभी राज्यों में प्लेसमेंट लगने जाने वाली है, कुछ स्टेटों का तो ऑनलाइन भी अप्लाई चल रहा है। ठीक है, आप लिंक ओपन करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कुछ जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है ना, इन सब स्टेटों का ना ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, MP का ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, राजस्थान का ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। ठीक है, ये तो ऑनलाइन अप्लाई करके ही जा सकते हैं, इनको प्लेसमेंट में जाने का भी जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा तो MP में प्लेसमेंट लगाने के लिए जाती भी है। ठीक है, आप देखिए पूरा समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सअप नंबर निकालिए, जाके मैसेज कीजिए, जो भी डाउट है आपका वो मैसेज कर दीजिएगा, अपने आप आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, हमारे टीम बैठे हुए हैं आपको रिप्लाई देने के लिए। और एक चीज इसमें बता देना चाहता हूँ, जो मारुति सुजुकी में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं आप, ठीक है, आपके पास जो है कॉल मैसेज नहीं आ रहा है ज्वाइनिंग के लिए प्लस रिटर्न टेस्ट और एग्जाम के लिए, ठीक है, रिटर्न टेस्ट एग्जाम और इंटरव्यू के लिए अगर आपके पास कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, या ज्वाइनिंग के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो उन सभी के पास दोस्तों मैं रिटर्न टेस्ट करवा दूंगा, इंटरव्यू करवा दूंगा, और जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा उनको मैं ज्वाइनिंग भी करवा दूंगा। ठीक है,
मेरा डायरेक्ट सेटिंग है, लेकिन इस बात को ज्यादा फैलाना नहीं है। जिनको करना है चुपचाप से मेरे व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दीजिएगा, अपना जो है रजिस्ट्रेशन आईडी भेज दीजिएगा, अपना आधार कार्ड नंबर भेज दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा। तीन चीज़ आपको भेज देना है मुझे, मैं आपका ज्वाइनिंग करवा दूंगा दोस्तों। लेकिन हम लोग इसमें कुछ फी रखे हैं, ठीक है। जिनका रिटन टेस्ट भी नहीं हुआ, इंटरव्यू भी नहीं हुआ, आप अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, आपका ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, उनके लिए 6,000 रुपया रखा गया है। देखो, क्योंकि आपको 30,000 का नौकरी मिलेगा तो इतना देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी आगे देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये जाएगा। कोई बताएगा ना वीडियो में, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा जिनके पास ज्वाइनिंग के लिए कौन नहीं आया, सिर्फ उनका जो है ओनली 3,000 रुपया। आप 3,000 रुपया देंगे, आपके पास ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ जाएगा। इनमें से आपको क्या करना, पहले आपको 2,000 पे करना है एक ही बार, मनी पहले आपको 2,000 करना है, फिर आपके पास कॉल आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप 1,000 रुपया कर दीजिएगा, मुझे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जो 6,000 बताया गया है, ठीक है, पहले आपको 3,000 करना पड़ेगा, फिर आपका जब रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको 2,000 करना है, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर आपको 1,000 रुपया कर दीजिएगा। हो गया, ये प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है, उसके बाद ही जाके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 7643024636, इसमें व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा और कोई करवा भी नहीं सकता मारुति सुजुकी में ऐसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग, सिर्फ मैं करवा सकता हूँ, ठीक। तो देखिए, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते तो उनको जॉब मिल जाएगा। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मैंने बताना भूल गया था, डिप्लोमा वालों को भी मैं डायरेक्ट भर्ती करा दूंगा, ठीक है, उनको अगर करना है तो उनके लिए भी 6,000 रुपये फी है। आपका सैलरी जो रहेगा 36,500 रुपया रहेगा, ठीक है, आपको भी मैं भर्ती करा दूंगा। आप लोगों को ज़्यादातर लाइन में लिया जाता है, ठीक, जो लाइन चलता है ना, लाइन सुपरवाइजर हो गया, लाइन इंचार्ज हो गया, ये सब के लिए आपको लिया जाता है, जो डिप्लोमा और बीटेक का कैंडिडेट है। तो आप लोगों को करना है तो आप लोग भी व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।